तो डंकी की इंतजार में सिर्फ शाहरुख खान फैंस या फिर फिल्मी फैंस नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर भी डंकी की इंतजार में हैं। एनिमल एक्टर रणबीर कपूर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में डंकी को लेकर अपने एक्साइटमेंट जाहिर किए हैं। आप सबको पता है डंकी 21 दिसंबर को आ रहे हैं और कल 5 दिसंबर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल दस्तक देने वाले हैं। एनिमल की एडवांस बुकिंग जबरदस्त है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और अब देखने वाली बात है कि एनिमल बॉक्स ऑफिस पर क्या तबाही मचाते हैं। लेकिन एनिमल के एक्टर रणबीर कपूर ने शाहरुख खान की पिछले दो फिल्म पठान एंड जवान की बहुत तारीफें की हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड की अच्छे टाइम शाहरुख खान की फिल्म से ही वापस आया है, जो कि है पठान के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि डंकी दिसंबर की मोस्ट एवेटेड फिल्म है और इससे जाहिर होता है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी के लिए सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और एक्टर भी बहुत ही एक्साइटेड है और होना भी लाजमी है क्योंकि ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है, शाहरुख खान इनटू राजकुमार हिरानी। एक तरफ बॉलीवुड की सबसे बड़े सुपरस्टार तो दूसरी तरफ बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डायरेक्टर। तो अभी आप सुन सकते हैं रणबीर कपूर क्या कह रहे हैं डंकी के बारे में। वी गॉट सम ग्रेट मूवीज इन दिसंबर, डंकी कमिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। तो हर किसी एक्टर के जहन में शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी बसा हुआ है और डंकी बॉक्स ऑफिस पर तबाही लाने वाले हैं, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने जा रहे हैं और साथ ही साथ हिरानी की फिल्मों की तरह ही ये फिल्म भी काल क्लासिक सिनेमा होने जा रहे हैं, जो कि 10 सालों में एक बार बनते हैं। तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड फिर एक बार तोड़ने और बनाने आ रहे हैं शाहरुख खान 21 दिसंबर को और डंकी की ड्रॉप 3 मतलब ट्रेलर दिसंबर की फर्स्ट वीक में आने वाले हैं, मतलब 7 दिसंबर से पहले डंकी की ट्रेलर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो आप बताइए आप डंकी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके अपनी रिएक्शन बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।